10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम भिन्न से आप क्या समझते हैं? जो भिन्न का सिंपल फॉर्म होता है, जैसे 3/4, तो ये क्या है? विषम भिन्न। और ये जो जिस रूप में दिया है, ये है मिश्रित भिन्न। तो हम इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले 7 × 4 और -3 / 4, नीचे जो हर में रहता है वैसी रहता है, इन दोनों का गुणा करके ये प्लस कर देते हैं। क्योंकि ये हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, ये होता है भागफल, ये शेषफल, और ये होता है नीचे का हर, ये होता है भाज्य। तो ये हो जाएगा 7 × 28 और 3, ये हो जाएगा 28 × 3/4। 28 × 3 = 31/4। इसी का बी भाग है, इसमें है 5 × 6/7, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 35, 5 × 7 = 6/7। तो ये हो जाएगा 5 × 35 = 6/7। तो यह आ जाएगा हमारा 35 × 6 = 41/7। इसी का हम सी भाग करते हैं, ये दिया है 2 × 5/6। तो इसको हल करने के लिए ये हो जाएगा 6 × 2 = 5 और 6/6। तो ये 6 × 2 = 12 और 5/6, ये हो जाएगा 12 × 5 = 17/6। ये देखिए जो आंसर आए हैं, हम इनको बॉक्स में बंद करते जा रहे हैं। इसी का है डी प्रश्न। डी भाग में दिया है हमें 10 × 3/5, इसको हम लिख लेंगे 10 × 3/5। तो ये तो हो जाएगा हमारा 10 × 5 = 3/5, ये हो जाएगा 10 × 50 = 3/5, ये आ जाएगा 53/5। इसी का है प्रश्न क्रमांक ई। ई में हमें दिया है 9 × 3/7, ये है ई और ये है 9 × 3/7। तो इसको हल करने के लिए ये तो हो जाएगा, ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, तो वैसे रहेगा नीचे, ये 9 × 7 = 3, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 7 = 63 / 3/7, 63 और 3 = 66/7। ई हो गया, इसका एफ भाग है, ये है 8 × 4/9, तो ये हमारा आएगा 9, तो नीचे वैसे रहेगा 8 × 9 = 4, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 8 = 72 / 4/9, 72 और 4 = 76/9। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 3 के सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।